हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हमारी जो सैमसंग की वॉशिंग मशीन थी उसका अनबॉक्सिंग बताया था, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो अनबॉक्सिंग मैंने बताया था, वॉशिंग मशीन हमारी विद इन 3 डेज आ गई थी। और उसी दिन डेमो वाले भी सैमसंग कंपनी से, सर्विस सेंटर से आ गए थे। लाइक ऑफकोर्स वो टाइमिंग लेते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आपको कॉल करते हैं, आपके सूटेबल टाइम के हिसाब से आते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम डे ही उन्होंने डेमो दे दिया था। और जो मैंने आपको छोटा सा बॉक्स बताया था उसके अंदर मुझे लग रहा था सरफेस हो या इट्स सर्फी है, इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप का बॉक्स आया है फॉर टॉप लोड मशीन ओनली। एक्चुअली जैसे ही वो आए थे ना सर्विस सेंटर डेमो के लिए, लाइक उनने ही पूरा खोल के सब वायर वायर जो मैंने आपको पैक बताए थे वो बहुत जल्दी, लाइक दे आर प्रोफेशनल राइट, तो बिल्कुल फटाफट वो लोग सब बिल्कुल काम कर देते हैं। तो उन्होंने फटाफट खोल के बताया ये है टॉप लोड मशीन ओनली, ये टॉप लोड के लिए है, ये फ्रंट लोड मशीन के लिए है, ठीक है। तो उसके लिए ये पैकेट आया सर्फ का, ओके लिक्विड है। आपने जैसे देखा होगा आजकल मॉल्स में बहुत प्रमोशन हो रहा है लिक्विड सर्फ का, ये वो है, देख सकते हैं आप, न्यू फॉर्मूला लिखा हुआ है, 10 रुपीज का है, 1 मशीन लोड, ठीक है, एक बार के लिए है आई थिंक। ये फ्रंट लोड के लिए है, रिमूव टच ड्राइड स्टेन्स, ठीक है, लिक्विड है पूरा, 10 रुपीज का। ये है हमारा फ्रंट लोड का, हमारा आपको जैसे पता है हमारी टॉप लोड मशीन है, फ्रंट लोड की मशीन नहीं है, टॉप लोड मशीन है। या ये आपका आया है टॉप लोड के लिए, 2 टॉप लोड के लिए आए हैं, ठीक है, 2 टॉप लोड का है, 1 फ्रंट लोड का है। इसमें यूजर मैनुअल है, वॉशिंग मशीन में यूजर मैनुअल नहीं आया है, पर आप देख सकते हैं कि लिक्विड में आया है इसमें, ठीक है। 2 चीज हमारी मिसिंग है, जैसा कि हमें डेमो वाले पर्सन ने बताया है। फर्स्ट तो एक तो यूजर मैनुअल हमारा कम है, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पीछे पाइप लगाने का है उसमें एक रिंग भी आती है, लाइक उस पाइप को टाइट करने के लिए। सो हमारी ठीक है, तो 2 चीज हमारी मिसिंग थी, ओके। उन्होंने कहा है वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे यूजर मैनुअल तो ऑफकोर्स उन्होंने मुझे सब चीज बताई दी थी, और रिंग का भी उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो भी रिंग ऐसा आपका पाइप निकलेगा नहीं वो कोई फोर्स से, सो आई वाज लाइक ओके। तो इसके इन डेमो में बहुत अच्छी चीज बताई, 1-2 चीजें मुझे इस मशीन में बहुत अच्छी लगी है। फर्स्ट ये कि जैसे कि अब मैंने आपको बताया था ये सैमसंग की इको बबल डिजिटल इन्वर्टर है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है टॉप लोड की, और ये हमारी फुली ऑटोमेटिक है। अब इसमें क्या है डिजिटल इन्वर्टर का मतलब क्या है, ये मुझे नहीं पता था, लाइक बहुत सारी चीजें होती है जो आपको नहीं पता रहती है, राइट। सो डिजिटल इन्वर्टर का उन्होंने बताया था कि ये मशीन जैसे आपकी लाइट भी चली जाती है तो भी ये लाइक इसमें इन्वर्टर है इस वॉशिंग मशीन में, इसलिए इसमें डिजिट तो भी आपकी मशीन चलेगी, बट लाइक उसमें ऐसा है कि आप थोड़े लाइट वेट के कपड़े डालिए, बहुत ज्यादा लोड नहीं हो इसलिए। तो इसमें इन्वर्टर है, ये सबसे बेस्ट चीज लगी मुझे। दूसरी चीज इनने वही से सब चीजें ये मुझे सब फंक्शन बताया उन्होंने, नॉर्मल के लिए, क्विक वॉश के लिए, डेलिकेट के लिए, वेडिंग के लिए, वही चीज। अब राइज एंड स्पिन, ठीक है, इको टब क्लीन ने यही बोला, एक पाउडर जैसा आता है, लाइक आई डोंट थिंक पाउडर या जो भी उन्होंने बोला था, हर महीने एक महीने में एक बार आपको इस टब को फुली उसको डाल के क्लीन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका स्टार्ट के लिए है, और ये आपका जैसे एक बार फर्स्ट बार मशीन स्टार्ट करनी है इसको क्लिक कीजिए, आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें से कौन सा भी, अब ये 1-2-3 क्या है, ऐसा नहीं है कि 1-2-3 इसलिए कितने फंक्शंस है, ये इसके नंबर इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल कपड़े वॉश करने हैं तो मतलब 1 नंबर, तो आपको क्या करना है इस वाले टैब पे क्लिक करना है, या 1 आ जाएगा, 1 आ गया मतलब नॉर्मल वाला, तो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि 1 नंबर पे कितने मिनट तक मुझे चलाना है। आपको कुछ नहीं डालना है कितने मिनट के लिए, 1 डाला, जैसे ही 1 डाला कि सेट कर लिया, हाँ 1 पे चलाना है, उसके बाद आपको ये बटन क्लिक करना है। जैसे ही आपने ये बटन क्लिक किया आपकी मशीन का यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइम आ जाएगा, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 46 मिनट्स, ऐसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। आपको और कुछ नहीं करना है, ये तीनों चीजें वो खुद कर लेगी। आपको क्या करना है, पाइप लगा के रखना है, आपको वायर लगा के रखना है, पाइप लगा के रखना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ऑटोमेटिकली वो पानी ले लेगी मशीन जैसे ही आप चालू करेंगे, कितना पानी लेना उसको पता है, जैसे ही पानी उसका हो जाएगा फुल वो ऑटोमेटिकली आपके पानी भी बंद कर देगी। ऐसा नहीं कि आपको नल बंद करने से, आपको पता है ना पहले सैमी वाले थे, लेकिन मेरी फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक मशीन है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली पानी ले लेगी, जब उसको लगेगा फुल भर गया तो ऑटोमेटिकली पानी का सप्लाई बंद कर देगी वो, ठीक है। उसके बाद वो ये तीनों फंक्शन यूज करेगी, पहले वो वॉश करेगी, उसके बाद वो राइस करेगी एंड देन स्पिन करेगी, कपड़े आपके धुल जाएंगे, ऑटोमेटिक धुल जाएंगे, सूख भी जाएंगे, सो नॉट टू वरी।
उसके बाद जैसे ये तीनों प्रोग्राम उन्हें बताया ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो पानी लिया है वो गंदा पानी ऑटोमेटिकली वो पाइप से निकाल भी देगा। लाइक आपको पानी भी नहीं निकालना है, कुछ बटन नहीं दबाना है, ऑटोमेटिकली सब काम हो जाएगा। सो आई लाइक वाओ, मतलब पहले वाली सेमी ऑटोमेटिकली पानी भी निकालना पड़ता था अपनों को अलग से। और दूसरा, जैसे मैंने उससे पूछा कि ये जैसे जो ये फंक्शंस की ये है, अब ये खराब हो जाए कभी, यू नो, मतलब इसमें पानी लग जाए तो कभी खराब हो जाए, बोले पानी लगने का तो कोई सिस्टम ही नहीं। लाइक या दैट वॉज अ वेरी फुलिश क्वेश्चन, बिकॉज आपको इसमें सूखे कपड़े डालने, राइट, पानी ऑटोमेटिकली आएगा, सूखे कपड़े डालने, सर्फ डालने, जब आप निकालोगे तब भी सूखे कपड़े ही आएंगे, तो मतलब गीला लगने का तो सवाल ही नहीं, सेमी ऑटोमेटिक में रहता है ना। लाइक एक तरह से अपन गीले कपड़े निकालते हैं फिर दूसरी जगह डालते हैं, तो ऊपर आपके प्लग्स में लाइक पानी चला जाता था, लाइक मेरे चला जाता था पहले, सो उसका डर रहता है, वो खराब होते बहुत जल्दी, मेरे उसके बटन ही सबसे पहले खराब हुए थे। इसमें ये कोई झंझट नहीं है, ठीक है, सूखे कपड़े डालने, सूखे कपड़े निकालने। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि एक और, ये थे मैंने आपको ऊपर ऊपर का बता दिया, अब अपन इसके अंदर का उन्होंने जो बहुत अच्छा बताया, जैसे मैंने आपको बताया था फुली ऑटोमेटिक तो है ही पूरा, अपन खोल लेते हैं इसको। अब इसमें ये बहुत, जैसे ये आपको पता है ना, यार टेप वेप लगा था तो उन्होंने सब निकालो, दे वॉज लाइक वेरी फास्ट, फटाफट फटाफट निकाल के फटाफट समझा के चले जाते हैं। सो ये उन्होंने जैसे बताया, ये देखिए ये वाला जो है, ये आप इसमें सर्फ डालने के लिए, आप इसमें सर्फ डालिए और इसको बंद कर दीजिए, ये पूरा निकल भी जाता है अगर आपको धोना हो तो, उन्हें निकाल के बताया था, पूरा निकल जाएगा, धो के आप वापस लगा सकते हैं साफ करना हो कभी आपको, तो ये आपका डिटर्जेंट के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये तीन, ये आपके लिक्विड के लिए, जैसे अगर आपको लिक्विड सोप डालना है उसके लिए, ये वाला आपका डिटर्जेंट के लिए, डिटर्जेंट लिखा हुआ है इधर, कुछ लिखा हुआ है क्या, हाँ आई थिंक, ये देखिए आप कैमरे में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टनर डिस्पेंसर लिखा हुआ है, राइट, मतलब आपको लिक्विड जो आपका लिक्विड हो तो इधर डालना है और सर्फ हो तो इधर डालना है, ठीक है। अब ये आपका जो है ये भी निकल जाता है, लेट मी शो यू, या ये वाली आपकी जाली तो रहती है, ये हर मशीन में रहती है, आपको पता है सेमी ऑटोमेटिक में भी थी, लाइक इसको निकाल के आप धो सकते हो, लेकिन इसमें कभी कचरा हो जाए तो उसको साफ कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ये बहुत अच्छा बताया था, जैसे आप प्लग चालू करते हो ऑटोमेटिकली वो नल आप चालू रखिए, और ये अच्छा है आपकी मशीन जब तक बंद है, नल भले ही आपका चालू है तो भी इसमें पानी आएगा ही नहीं, वो लेगा ही नहीं, आपको क्या करना है कुछ नहीं, जैसे आप चालू करके बटन रख दो, जैसे ही आपने इस मशीन का जब आप ऑन का बटन आपको बताया था, वो ऑन का बटन आप जैसे ही दबाओगे तभी वो पानी लेना शुरू करेगा, या धीरे धीरे से पानी आने लग जाता है, पानी आने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, आप पहले से सर्फ आपने डाल के रखा है इसमें कपड़े डाल दो, बस बंद कर दो, चालू कर दो, अपने आप पानी ले लेगा, धो देगा, सुखा देगा, बटन जैसे टाइमर सब बंद हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। सो या इसको अपन बंद कर देते हैं, अब ये बंद हो गया है। हाँ, अब ये ध्यान रखना है, एक उन्हें प्रिकॉशन रखने के लिए कहा है कि वॉशिंग मशीन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आपको बीच टाइम में आपको इसको नहीं उठाना है, ये अभी तो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसलिए आपको नीचे नहीं दिख रहा है, बट इसको आपको यहाँ पे आराम से हो जाएगा, आपको बीच में नहीं उठाना है, बीच में उठाएंगे फंक्शन बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसको चलने दीजिए। सो लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा है ये, आप देख सकते हैं वायर लगा हुआ है, आप लगा के रखिए आराम से, कॉम्पैक्ट है, और नीचे यस जैसे मैंने आपको बोला था पहले, नीचे का हमें थर्माकोल हटाया नहीं था, तो आप देख सकते हैं कि नीचे इसमें स्पेस भी है, ठीक है, यहाँ तक स्पेस है, फिर नीचे इधर स्पेस नहीं है, ठीक है, मतलब नीचे आप हटा नहीं, गंदगी नहीं हटा सकते हैं, इसको आपको थोड़ा उठा के फिर साफ करना पड़ेगा, बट लाइक इट्स ओके, सही लगा मुझे। हाँ हाँ, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था रेड प्रोटेक्शन का भी जो बोर्ड आया था, तो रेड प्रोटेक्शन का बोर्ड भी उन्हें यहाँ पे नीचे वो लगा के गए हैं भैया, मतलब वो ऑटोमेटिकली फिट करने का था तो 2 मिनट पे फिट कर दिया था। सो लाइक ये, तो ये आज हमारा पूरा, मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं आपके जो सैमसंग के हैं, अभी मैंने चलाया नहीं है ये, हम कल यूज करेंगे आई थिंक, तो मे बी शॉर्ट समय आपको बिल्कुल लाइट चलते हुए बताऊंगी रेड 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 जब हम यूज करेंगे, अभी यू नो ना, अभी कोई नई भी चीज है तो उसको बार बार यूज करने में डर लगता है इसलिए कि खराब ना हो जाए, सो दैट्स व्हाई। इसमें गारंटी हमारी 2+20 थी, लाइक 20 ईयर्स की वारंटी है, 2 ईयर्स की वारंटी पूरा डिस्क्रिप्शन में था, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पावर सेविंग गाइड है सैमसंग, ये देखिए आप मॉडल नंबर अगर आपको चाहिए हो तो ये मॉडल नंबर है 2024, अभी का लेटेस्ट हमारा मॉडल है, मॉडल ईयर पूरा दे रखा है, टाइप है, टॉप लोड है, 8 kg है, पूरा इसमें दे रखा है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। सो या टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दिस आर सैमसंग टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक सैमसंग वॉशिंग मशीन विच इज वेरी वेरी 5 star rating,
and is having very nice features and is having an inverter also. So yeah, today all about this washing machine. So stay tuned till our next video. Till then, bye bye.